दोस्तों आज मैं आपको लेकर आया हूँ राजधानी दिल्ली के नेशनल क्राफ्ट्स म्यूज़ियम में। देखिए यहाँ से हम अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कलाकृति बनाई गई है वो तमिलनाडु में जो आयनार देवस्थान होता है गांव के बाहर, जहाँ लोग अपनी मन्नतें मांगते हैं, मन्नत पूरी होने पर इस तरह से घोड़े चढ़ाए जाते हैं। आप देख सकते हैं ये भगवान आयनार का देवस्थान है, ये जो बीच में विराजमान हैं अपनी दो पत्नियों के साथ, वो आयनार भगवान हैं। और ये दक्षिण भारत में एक ऐसी प्रथा है कि हर गांव के बाहर ऐसा एक मंदिर होता है जहां पर लोग अपनी मन्नत मांगते हैं, मन्नत पूरी होने पर इस तरह से घोड़े चढ़ाए जाते हैं। आप देख रहे हैं ये बिल्कुल वैसा ही प्रतिकृति बनाई गई है। और मैं आपको यहाँ आज और भी बहुत सारी चीज़ें दिखाने जा रहा हूँ जो भारतीय शिल्प का एक तरह से आपको परिचय देंगी। ये मिथिला चित्र हैं बिहार के, तो बिहार में किस तरह की चित्रकारी की जाती है जो हमारी लोक कला का एक बहुत बड़ा नमूना है, वो आप यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अब हम आपको दिखा रहे हैं पटचित्र ओडिशा। तो जो घर में रहने वाली महिलाएं जिस तरह की चित्रकारी किया करती थीं, ये उसका एक नमूना है। माचिस की तीलियों से और जो घर का सामान होता है उससे किस तरह की चित्रकारी की जाती है, ये हमारी लोक कला का प्रतीक है पटचित्र ओडिशा आपने देखा। अब हम आपको यहाँ वर्ली चित्र दिखा रहे हैं जो महाराष्ट्र की अपनी कलाकृति है। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर है यहाँ का। आप लोग अगर राजधानी दिल्ली आएँ तो आप आ सकते हैं, आईटीओ के बिल्कुल पास में है नेशनल म्यूज़ियम, जो हमारी देश की कलाकृति और संस्कृति को बताता है। ये आप देख सकते हैं अंदर काफ़ी सारी कलाकृतियां हैं, तो बाहर का नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूं। यह आप नेशनल क्राफ्ट्स म्यूज़ियम के बाहर का नज़ारा आप देख पा रहे हैं मेरे साथ में, जहां मैं आज आया हुआ हूं। अगर आप राजधानी दिल्ली आते हैं तो यहाँ आप एक बार ज़रूर आ सकते हैं, मुझे काफ़ी अच्छा फील आया। यहाँ पर एक कैफ़े लोटा भी है जहाँ पर मैंने बहुत अच्छे भारतीय व्यंजनों का स्वाद लिया। हमारे गांव में लोग किस तरह से रहते हैं वो पूरी संस्कृति आप देख सकते हैं। उसे मिट्टी के बने इस शेखावटी चित्र हैं राजस्थान के, जैसा कि इसमें लिखा है इस चित्र में हाथी पर सवार दो राजपुरुषों के बीच युद्ध और घोड़े पर सवार एक योद्धा और राजस्थानी पोशाक पहने एक औरत को दर्शाया गया है। ये पूरा नज़ारा है। अभी अंदर की तरफ बढ़ रहे हैं। ये जो चित्र बना हुआ है ये बेसिकली भगवान विष्णु के सभी अवतार हैं उनका बना हुआ है। अब हम आगे अंदर बढ़ते हैं। ये भूता फिगर है, कर्नाटका की मशहूर मूर्तियाँ इस तरह से बनाई जाती हैं। आगे इनका एक बहुत बड़ा संग्रह भी है, देखिए पूरा
ये मेटल आर्ट है पूरा प्राचीन, जो भारत की संस्कृति को बताता है। आगे जो आप देख रहे हैं ये भूटा मूर्तियां हैं, जो कि कर्नाटका की पहचान है। एक कटहल की लकड़ी से बनाए गए हैं, कटहल की लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है इनको बनाने में। भूता चित्र कहलाते हैं ये, दिखने में डरावने हैं लेकिन बहुत ही सुंदर तरीके की कलाकृति है ये। ये होते तो पीले रंग के हैं लकड़ी, क्योंकि पीली होती है, बाद में इनको कलर किया जाता है। कि मैं आपको कठपुतली के भी दर्शन कराता हूँ। यहाँ अलग अलग तरह की कठपुतलियाँ भी हैं। कठपुतलियों के बारे में कहा जाता है कि सबसे पहले महाभारत के समय कठपुतलियों का उल्लेख मिलता है, लेकिन वैसे कहते हैं ब्रह्मा जी ने सबसे पहली कठपुतली बनाई थी सरस्वती जी के मनोरंजन के लिए। देखिए यहाँ पे सभी तरह की कठपुतलियाँ हैं, आप देख पा रहे हैं। ये अनाज का भंडारण करने के लिए जो एक कक्ष बनाया जाता था पुराने गांवों में, अनाज का भंडारण होता था इसमें। घर में जितने ग्रेन्स होते थे, चावल और गेहूं वगैरह, और इसको बहुत सजाया जाता था। तो एक टिपिकल वैसी ही सजावट के साथ यहां पे दिखाया गया है। बाकी यहां पर जितनी भी लोक शैलियाँ हैं चित्रकला की, उनको भी यहाँ अच्छे से दिखाया गया है, आप देख सकते हैं। यह आप देख सकते हैं कि रोज़ाना घर में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें जो पुराने वक्त में इस्तेमाल होती थी, यहाँ पर दिखाई गई हैं। और यहाँ पर हैं ये कुछ मूर्तियाँ। आप यहाँ पूरा एक दिन बिता सकते हैं, बहुत अच्छा कैफ़े भी है। मैं आपको कैफ़े में भी लेकर चलूँगा, जहाँ पर बैठकर मैंने अपनी मित्र का इंटरव्यू किया, वो भी शायद आपने देखा होगा मेरे चैनल पर, जिन्होंने बांग्लादेश की हमें कहानियाँ सुनाई हैं। तो वो हम कैफ़े लोटा में बैठे हुए थे। यहाँ ना एक अच्छा अनुभव हो सकता है आप लोगों के लिए, काफ़ी शांति होती है। लोग बहुत कम हैं, लोग कम आते हैं, लेकिन आना ज़रूरी है ऐसी जगहों पर। ये देखिए ये कलाकृतियाँ आपको यहीं देखने को मिलेंगी, ये नक्काशियाँ जिस तरह से पुराने वक्त में होती थी, बहुत अच्छे अच्छे नमूने हैं यहाँ पर। ये देख सकते हैं आप क्या कार्विंग की गई है। बहुत ही सुंदर मूर्ति यहाँ पर। ये एक रेप्लिका है, चलिए अंदर चलते हैं।
झरोखा जैसा होता था, पुराने घरों में हमने देखा है। ये देखिए लिखा है, नवाब राधनपुर के महल से प्राप्त लकड़ी का नक्काशीदार झरोखा, उत्तरी गुजरात, 18वीं सदी का उत्तरार्ध। वाकई इसको देखना बहुत ही मनमोहक है। ईरानी चित्र है ये, ईरानी पेंटिंग है। ऐसा लग रहा है कि आप भी एक बहुत ही शांत से भवन में आ गए हो। बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है ये, जो सभी को यहाँ आकर करना चाहिए। पुराना संदूक, ये कास्ट की बनी हुई है लकड़ी की सब। मेरे लिए यहाँ आना, घूमना बहुत अच्छा अनुभव है। मैंने ज़्यादा आपको कुछ बोलकर नहीं बताया, क्योंकि मैं खुद चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ आएँ और आकर फिर अनुभव करें जो मैंने अनुभव किया। यहाँ सिर्फ़ एक शांत होकर वॉक करना भी काफ़ी अच्छा लगता है। आप महानगरों में परेशान हो जाते हैं, लेकिन इतनी शांति कहीं नहीं मिलती।
जितनी शांति यहाँ पर मिल रही है। तो मुझे तो सिर्फ यहाँ पर वॉक करना भी बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सारी सुंदर कलाकृतियाँ हैं, एक बहुत शांत माहौल है और उसके बीच में आप घूमते भी जा रहे हैं, देखते भी जा रहे हैं, जैसे आंगन वाले घर में घूम रहे हो आप, एक ऐसा फील है। मैं बाहर आता हूँ। शायद हमें कुछ म्यूजिक भी सुनाई दे रहा है, चलिए आपको दिखाते हैं। हर राज्य का बना हुआ सामान आपको यहाँ पर दिख जाएगा। देखिए ऐसा एनवायरनमेंट आपको कहाँ मिलेगा घूमने के लिए। हर राज्य का आपको यहाँ पे एक झलक देखने को मिलेगी, हर राज्य की। ये सब कुछ राजधानी दिल्ली के बीचों बीच है, ITO के पास। ये देखिए, चरक्कू सामुदायिक समारोह हेतु पायसम, खीर पकाने हेतु प्रयुक्त किए जाने वाला बर्तन है ये। इतना बड़ा बर्तन, इसमें पायसम बनाया जाता है, मीठी खीर। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ दिखने वाली हैं।
बहुत कुछ यहाँ पर देखने वाला है। मैंने बस इसकी एक छोटी सी झलक आपको दिखाई है ताकि बाकी चीज़ें आप यहाँ स्वयं आकर देखें। ये देखिए हवेली का दरवाज़ा बनाया गया है कि किस तरह से राजस्थान की हवेलियों में दरवाजे होते हैं। छत्तीसगढ़ में किस तरह के कुटीर बनाए जाते हैं ये उसका उदाहरण है, रजवार कुटीर। इस तरह की पेंटिंग, कुछ ऐसा नज़ारा होता है अंदर से और आप फिर ऐसे निकल के बाहर आते हैं। ये देखिए बहुत खूबसूरत नज़ारा है, बहुत अच्छी फीलिंग है यहाँ पर। अगर आप यहाँ आते हैं तो आपको पूरा दिन चाहिए यहाँ पे घूमने के लिए, क्योंकि इतना कुछ है जो आप घूमते घूमते पूरा दिन आप यहाँ बिता सकते हैं। भारत के गांव कैसे हैं, भारत की संस्कृति कैसी है, अलग अलग राज्यों में कैसे कुएं होते हैं, क्या कुछ होता है, सारी चीज़ें आपको यहाँ झलक देखने को मिलेगी। गुजरात में कैसी कुटियाँ होती हैं सारे आप देख सकते हैं यहाँ पर। देखिए जूनागढ़ के निवासी मेहर कृषकों की इस कुटीर में गोबर मिट्टी से लिपी व चित्रित दीवारें हैं। ये देखिए आप, ठीक वैसे ही बनाया गया है। आपको ऐसा लगेगा कि आप एक ऐसी जगह आ गए हैं जहां भारत के हर कोने का एक गांव छोटा छोटा है। बहुत ही अमेजिंग फीलिंग है जो यहां पर आप घूमकर ही समझ सकते हैं। अलग अलग तरह की कुटियाँ कैसी होती हैं ये देखिए, बन्नी कुटीर। नागालैंड में कैसे घर होते हैं वो भी आप यहाँ देख सकते हैं। ये नागालैंड के कुटी का एक प्रकार यहाँ पर दिखाया गया है, कुन्यक मोरुंग। कुल मिलाकर पूरे भारत के यहाँ पर आपको दर्शन हो रहे हैं, तो यहाँ डेफिनेटली आपको आना चाहिए। मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आप कभी भी राजधानी दिल्ली आएँ या आप दिल्ली में रहते हों तो यहाँ ज़रूर आएँ, एक बहुत अच्छा फील आता है यहाँ पे। देखिए अलग अलग तरह की कुटियाँ कैसे बनाई गई हैं, मध्य प्रदेश में कैसे घर होते हैं, उत्तर प्रदेश में कैसे घर होते हैं, बिहार में, नागालैंड में, मेघालय में, अलग अलग जगह के आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इसका देखें अच्छे से। ये गोंड कुटीर है, मध्य प्रदेश में किस तरह के घर होते हैं उसका एक उदाहरण दिया गया यहाँ पे। तरह तरह की बैलगाड़ियाँ कैसी होती हैं, हमारे गाँव में जनजीवन कैसा है। गौ माताएं किस तरह से रहती हैं,
सब कुछ दिखाया गया है। कोल्हू, कोल्हू का बैल आपने सुना होगा, ये देखिए कोल्हू किस तरह से अलसी के बीजों से तेल निकाला जाता है, ये सभी कुछ यहाँ पर दिखाया गया है। मुझे लगता है कि छोटे बच्चों को यहाँ ज़रूर लाना चाहिए, जिन्होंने ऐसे गांव नहीं देखे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा ये अनुभव होगा। ये सब कुछ एक ही जगह पर है, राजस्थान में कैसे घर होते हैं आप देख सकते हैं। अद्भुत चित्रकारी की गई है, बहुत अच्छे से डेवलप किया गया है। अंदर आने के लिए बस 20 रुपए का टिकट है भारतीयों के लिए। अगर आप चाहते हैं कि एक ही छत के नीचे आप सारे गांव देख सकें तो आपको यहां ज़रूर आना चाहिए। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया मैं जानता हूँ, मैंने आपको काफ़ी कुछ दिखाया, लेकिन मुझे वाकई ये सब कुछ बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर देखना। और मैं खुद चाहता हूँ कि आप लोग आएँ, अपने बच्चों को लेकर आएँ, उस जनरेशन को लेकर आएँ जिसने गांव नहीं देखे हैं। भारत के गांव दिखाइए, एक ही जगह, एक ही छत के नीचे, इनफैक्ट छत भी नहीं है, एक ही जगह पर आप इतना कुछ देख सकते हैं। अभी मैं पूरा आपको दिखा भी नहीं पाया हूँ, वीडियो लंबा हो गया इसलिए मैं इसको ख़त्म कर रहा हूँ, यहाँ पर एंड कर रहा हूँ। कोशिश करूँगा कि आपको आगे भी इस तरह की जो जगह है जहाँ मैं जाता हूँ घूमता हूँ आपको दिखाता रहूँ।